ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो नमः। रामचरितमानस पंचम सोपान श्री सुंदरकांड। जय श्री हनुमान। हनुमान तेहि परसाकर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम करो कल्याण सीता राम। तब हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठ इन आय कहीं तेही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सोचा, क्यों ना हम इसकी परीक्षा लें। उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी को क्या कहा? आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिरी मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। अरे वाह, आज देवताओं ने मुझे क्या भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु श्री राम को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवन हो जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहो हनुमाना। हनुमान जी कहते हैं, माता, श्री राम प्रभु का कार्य करके मैं जब वापस लौटूंगा तब मैं तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने उसको जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो ले, तू मुझे खा ही ले। जो जन भरी ते ही बदन उपसारा, कपितनु किन्न दुगुन विस्तारा। सोर है जो जन मुख ते ही ठय हूँ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। उसने योजन भर का मतलब चार कोष में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया, दूना अर्थात दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन तेहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। जैसे जैसे सुरसा नामक मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठि पुनि बाहिर आवा, मागा बिदाता ही सिर उनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर मुँ तोर मैं पावा। और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करहि हूँ, तुम बल बोधि निधान। आशीष दे गई सो, हर
जैसी चले हनुमान सियावर राम।